एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आज का जो करंट अफेयर है वो हम देख रहे हैं, पैरा डिप्लोमेसी से हम शुरू करने वाले हैं। तो ये इस न्यूज़ का बैकग्राउंड एक दफ़ा हम गाइस देख लेते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने केरला गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर किया है। और क्यों क्रिटिसाइज किया है? क्रिटिसाइज इसलिए किया है क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एक्सटर्नल कोऑपरेशन ऑफिशियल्स को। सो इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट गवर्नमेंट को इंट्रूड नहीं करना चाहिए मैटर्स में जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शंस के बाहर है, राइट? क्योंकि ये क्या है, यूनियन लिस्ट का इंक्रोचमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इंडिया की 7th शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट आइटम 10 क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि फॉरेन अफेयर्स एंड जितने भी मैटर्स है जो यूनियन को रिलेशंस में लाते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ, सोल सोल प्रेरोगेटिव है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सो इस मूव ने क्या किया है, अटेंशन ड्रॉ किया है टू एन एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लैंडस्केप, रोल ऑफ सब नेशनल एंटिटीज इन शेपिंग इंटरनेशनल एंगेजमेंट, जिसको हम पैरा डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। पैरा डिप्लोमेसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। पैरा डिप्लोमेसी डील करती है फॉरेन पॉलिसी कैपेसिटी के साथ। तो पैरा डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो ये डील करती है फॉरेन पॉलिसी कैपेसिटी जो होती है सब नेशनल गवर्नमेंट की, उसके साथ। इसको हम स्टेट डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, कन्वीनियंट डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर रीजनल डिप्लोमेसी एंड सब नेशनल डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी मेक्स स्पेस फॉर एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ सब नेशनल और फेडरल यूनिट्स दैट माइट इंडल्ज देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल एक्टिविज्म टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट। सो ये जो कन्वेंशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसके अपोजिट होती है, जो कि सॉवरन नेशन स्टेट्स के डोमेन से के फॉल अंडर, एक्सक्लूसिव डोमेन के अंडर फॉल करती है, एक्सरसाइज बाय नेशनल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सेटअप करा है नया डिवीजन, जिसको हम स्टेट डिविजन्स भी बोलते हैं, 2014 में, ताकि कोऑर्डिनेट्स किया जा सके स्टेट्स के साथ एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ फॉर फर्दर फैसिलिटेशन ऑफ देयर एफर्ट्स टू प्रमोट देयर एक्सपोर्ट्स एंड टूरिज्म एंड अट्रैक्ट मोर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करें, 7th शेड्यूल्स में फॉरेन अफेयर्स जितने भी मैटर्स हैं जो यूनियन को रिलेशंस में लाते हैं फॉरेन कंट्री के साथ, तो लिस्टेड एज आइटम 10 अंडर यूनियन लिस्ट। आर्टिकल 253, पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी लॉ बनाने के लिए, इन ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी कंट्री के साथ, या फिर कोई भी डिसीजन है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे लिया जाता है। आर्टिकल 293 की वहीं अगर बात की जाए तो स्टेट्स नहीं बोरो कर सकता है इंडिया के बाहर से, एज स्टेट्स बोरिंग पावर इज स्पेसिफिकली लिमिटेड टू विद इन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। नीड क्यों है पैरा डिप्लोमेसी की, देखिए, गिवन द एडवर्सिटी एंड कल्चरल एंड जियोग्राफिकल इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्टेट ने हमेशा से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, एक सब्सटैंशियल रोल का फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में। रीजनल स्ट्रेंथ की अगर बात करें, पैरा डिप्लोमेसी क्या करता है, अलाउ करता है स्टेट्स को, ताकि वो स्पेसिफिक एडवांटेज जो है उसको कैपिटलाइज कर सके, ट्रेड को प्रमोट किया जा सके, एंड जो कल्चरल एक्सचेंजेस है फॉरेन कंट्रीज के साथ जो हमारे होते हैं उनको फोस्टर किया जा सके। फॉर एग्जांपल, केरला लेवरेज्ड इट्स डायस्पोरा टू प्रमोट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंजेस विद गल्फ कंट्रीज, एंड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना स्टेट्स क्या कर सकता है, टेलर कर सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके अपने एडवांटेजेस को शो करके, जैसे कि इंडिया के पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड हम एक कंडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को प्रमोट कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट समिट्स बहुत सारे जो स्टेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि वाइब्रेंट गुजरात, प्रोग्रेसिव पंजाब एंड वाइब्रेंट गोवा। कल्चरल डिप्लोमेसी वहीं पैरा डिप्लोमेसी इनेबल करता है स्टेट्स को कि स्ट्रेंथन किया जा सके हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज को, ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ावा दिया जा सके, एंड एजुकेशन कोलैबोरेशंस हो सके। फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु कनेक्शंस विद श्रीलंका
इसकी एथनिसिटी में ही रूटेड है। वेस्ट बंगाल की जो टाइज है बांग्लादेश के साथ वो भी बंगाली कल्चर में ही रूटेड है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल फॉरन पॉलिसी, फॉरन पॉलिसी किसके अंडर रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स परव्यू के अंदर रहती है। स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है कैसे, रिलेशनशिप बिल्ड करके दैट अलाइन विद नेशनल इंटरेस्ट, देयर बाई कॉम्प्लीमेंटिंग इंडियाज ओवरऑल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल के जो सीएम है उनका विजिट होता है बांग्लादेश में 1996 में, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्रका वोटर शेयरिंग ट्रीटी जो है आज वो साइन उसकी वजह से ही साइन हुई है। स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, पैरा डिप्लोमेसी क्या कर सकती है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर सकती है स्टेट्स को एम्पावर करके, ताकि स्टेट जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, एक्टिव रोल प्ले करे इंटरनेशनल अफेयर्स में। इसकी वजह से डिसेंट्रलाइज एंड रिस्पॉन्सिव फॉरेन पॉलिसी आ सकती है। अब ये जो पैरा डिप्लोमेसी है इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉरेन अफेयर जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, देयरफॉर स्टेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में उसको एक एनक्रोचमेंट की तरह देखा जा सकता है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स पावर। रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप, होस्टिंग डेलीगेशन एटसेट्रा स्ट्रेन दे सकता है स्टेट्स का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उन पर। पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है स्टेट पे, स्टेट लेवल पे, उसकी डिफरेंट प्रायोरिटीज हो सकती है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स और लैक ऑफ सपोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं मिल पाता है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। फॉर एग्जाम्पल धोबोल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र बिगेन ओनली आफ्टर एक्टिव सपोर्ट ऑफ द देन सेंट्रल गवर्नमेंट। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हो सकते हैं जो डाइवर्ज कर सकते हैं नेशनल फॉरेन पॉलिसी से, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसीज आ सकती है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है। फॉर एग्जांपल तीस्ता वोटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स वाज स्टॉल्ड ड्यू टू रेसिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। बायलेटरल रिलेशंस, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन has potential to affect India's bilateral relations as well as its standing on the international laws. For example, India का जो वोट है UNHRC resolution पे against a friendly neighbor Sri Lanka. Security concern भी है, engaging in para diplomacy might inadvertently affect national security especially sensitive reasons पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन है स्टेट जिनके साथ पाकिस्तान या फिर चाइना का बॉर्डर है, इसका कुछ वे अहेड भी है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स कर सकते हैं, कैसे कंसुलेट्स और कंसुलर ऑफिसेस ला सकते हैं इंडिविजुअल स्टेट्स में, या फिर हम फेडरल फॉरेन अफेयर्स ऑफिसेस को खोल सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इंटर स्टेट काउंसिल भी यूज हो सकती है स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन फॉरेन पॉलिसी। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस ने एस्टेब्लिश किया है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो कि डायलॉग्स को क्रिएट करती है म्यूनिसिपैलिटीज के साथ, फेडरल स्टेट्स के साथ इन साओ पोलो ब्राजील। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैपेसिटी बिल्डिंग, एलोकेट कर सकते हैं हम एडिक्वेट रिसोर्सेज टू स्टेट गवर्नमेंट एंड हम स्टेट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर, डिप्लोमेसी पर, नेगोशिएशन स्किल्स पर। बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग, क्रिएट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट्स ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर हो सके, सक्सेसफुल पैरा डिप्लोमेसी मॉडल्स को जो है शेयर किया जा सके। फर्दर रेगुलरली असेस कर सकते हैं पैरा डिप्लोमेसी इनिशिएटिव के इम्पैक्ट, रिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन फीडबैक एंड आउटकम्स। रेगुलर असेसमेंट, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैकेनिज्म्स को जो कि रेगुलरली असेस करे पैरा डिप्लोमेसी इनिशिएटिव्स के इम्पैक्ट को एंड डिफाइन स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन फीडबैक्स एंड आउटकम। क्लियर गाइडलाइंस, स्टेट डिविजन्स एस्टेब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इंगेज करना है इन डेवलपिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड क्लियर गाइडलाइंस टू स्ट्रेंथन सब नेशनल डिप्लोमेसी एंड अलाइनिंग बोथ स्टेट्स एंड ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट। साउथ चाइना सी टेंशंस एंड इंटरनेशनल ट्रीट्स, देखिए रिपोर्ट्स आई है एग्रेसिव एंड डेंजरस कंडक्ट जो चाइनीज के वेशल्स ने लिया है
इन द फीर्सली कॉन्टेस्टेड साउथ चाइना सी हैव सर्ज ओवर द पास्ट 17 मंथ। हमने हमेशा से हम ये करंट अफेयर्स में हमने देखा है, न्यूज़ में हम देखते आ रहे हैं, चाइना की जो एक्सपेंशन करने की पॉलिसी है, चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है, उसकी वजह से इंडिया को बहुत ही ज़्यादा सफ़र होना पड़ा। तो चाइना ने साउथ चाइना सी जो है वहाँ पे क्या एक मतलब अपना जो दबदबा है उसको बनाने की कोशिश की है। चाइना ने डिमांड किया है मलेशिया को कि आपको इमीडिएटली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ऑयल रिच एरिया में उसको बंद करना है। दिस इज़ डिस्पाइट द फैक्ट दैट रीफ्स जो है 100 किलोमीटर है फ्रॉम मलेशिया एंड ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर है फ्रॉम मेनलैंड चाइना। साउथ चाइना सी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जियोग्राफिकल अगर हम लोकेशंस देखें साउथ चाइना सी को, तो साउथ चाइना सी जो है आर्म है वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस का अराउंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ऑफ चाइना में लोकेटेड है, ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम में लोकेटेड है एंड वेस्ट ऑफ द फिलीपींस एंड नॉर्थ ऑफ द बोर्नियो। इसमें लगभग 200 मोस्टली अनइनहैबिटेबल स्मॉल आइलैंड है, रॉक्स भी है, रीफ्स भी है। कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ से शुरू हुआ उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1992 में क्या हुआ था, चाइना ने क्लेम दिया था एंटायर साउथ चाइना सी में कि ये उसकी हिस्टोरिकल राइट है उस एरिया में, जो कि डेट कर रहा है वेस्टर्न हन डायनेस्टी से। 2016 में क्या होता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूल्स आते हैं इन फेवर ऑफ फिलीपींस एंड फाइंस 9-9 हैज नो लीगल बेसिस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ट्रेड की बात करी जाए उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट अ थर्ड ऑफ ग्लोबल मेरीटाइम ट्रेड पास होता है थ्रू द 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सीवे एनुअली। अराउंड 40% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो ग्लोबली ट्रेड होते हैं इसी सी के द्वारा ही वो क्या होते हैं, डिलीवर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज चाइना एंड ये एक इमेज है साउथ चाइना सी को, रेड कलर बताता है ऑक्यूपाइड चाइना एंड जो चाइना ने ऑक्यूपाई करा है ये रेड कलर से दर्शाता है, येलो कलर बताता है जो फिलीपींस ने यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है राइट एंड जो ये इस तरह का है वो बताता है अनऑक्यूपाइड। तो यू कैन सी यहाँ पे वी हैव मलेशिया, वियतनाम है एंड यहाँ पे वी हैव चाइना एंड ये यहाँ पे चाइना ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो साउथ चाइना सी में कुछ की प्लेयर्स है, इन प्लेयर्स का जरा देख लेते हैं। चाइना क्लेम करती है बिगेस्ट शेयर, मेंटेनिंग इट्स राइट टू ऑलमोस्ट 90% ऑफ साउथ चाइना सी, ऑक्यूपाइंग ऑल ऑफ द पैरासल आइलैंड एंड 9 रीप्स इन द स्प्रेटलीज। तो 90% क्लेम आता है चाइना की तरफ। प्लेयर नंबर 2 ताइवान है, ताइवान की शेयर्ड हिस्ट्री है, ताइवान ब्रॉड क्लेम्स टू द एरिया रिफ्लेक्ट्स दोज ऑफ चाइना। वियतनाम भी अपना क्लेम लगाता है इस पे, एक्टिवली रूल्ड ओवर बोथ द पैरासल्स एंड स्प्रेटलीज सिंस द 17th century की हमारा क्लेम है पैरासल्स जो है उस पे भी, आइलैंड पे भी एंड जो स्प्रेटलीज है उस पे भी। फिलीपींस आता है, चाइनाज का जो क्लेम है ओवरलैप करता है फिलीपींस की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ विच मेनीला कॉल्स द वेस्ट फिलीपीन सी। मलेशिया एंड ब्रुनई की बात करें तो ये भी अपना क्लेम देते हैं, वो भी उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के वहीं पे भी फॉल करता है एज डिफाइंड बाय द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। यूएस का कोई टेरिटोरियल राइट्स नहीं है बट ये सिग्निफिकेंट फिगर रहा है कंडक्टिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइजेस राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं रीजन क्यों है भाई, क्या रीजन है ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। देखिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो गया, पहला तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कहता है कि चाइना की जो असर्टिवनेस है साउथ चाइना सी में वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है साउथ ईस्ट एशियन क्लेमेंट स्टेट के साथ। ठीक है, 2013 से 15 के बीच में चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड को बिल्ड किया था जिसका टोटल एरिया 3000 एकर्स था, 7 कोरल रीफ्स के ऊपर इस आइलैंड्स को बनाया गया था। इट ऑक्यूपाइज इन द स्प्रेटली आइलैंड्स। चाइना ने फुल्ली मिलिटराइज किया है इन 3 आइलैंड्स को साउथ चाइना सी में।
रिसोर्स कॉम्पिटिशंस दूसरा आता है. अप्रोक्सीमेटली 3.6 बिलियन बैरल्स ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर लिक्विड्स एंड 40.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस जो है साउथ चाइना सी में कॉम्पिटिशंस भी है वहां पे फॉर रेयर अर्थ मिनरल वेल्थ ऑन द सी फ्लो. रिसोर्सेज का कॉम्पिटिशंस हो गया. साउथ चाइना सीज फिशरीज जनरेट करती है $100 बिलियन एनुअली. दे अकाउंट फॉर अबाउट 12% ऑफ ग्लोबल फिश कैचेस. ठीक है. नेशनलिज्म एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है साउथ चाइना सी में वो है कॉन्फ्लिक्ट्स हैज बीन द एकेंटुएशंस ऑफ नेशनलिज्म इन क्लेमेंट कंट्रीज. एग्जांपल बोथ चाइना एंड वियतनाम हैव यूज्ड नेशनलिस्टिक रिटोरिक टू पोस्टर देयर क्लेम्स इन साउथ चाइना सी. बिसाइड्स एंट्री जो है यूएस की एज अ प्लेयर इन द कॉन्फ्लिक्ट्स फिलीपींस एंड द यूएस डिफेंस पैक्ट एक इरिटेंट रहा है चाइना के लिए. स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी एक रीजन है. साउथ चाइना सी शॉर्टेस्ट वे है टू गेट फ्रॉम पैसिफिक टू द इंडियन ओशन. अगर किसी को पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन आना है तो साउथ चाइना सी से होकर आसानी से आ सकता है. एंड इज होस्ट टू सम ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स इन द वर्ल्ड. कनेक्ट करता है ईस्ट एशिया को इंडिया के साथ. वेस्टर्न एशिया के साथ ईस्ट एशिया कनेक्ट हो जाता है इंडिया के साथ भी, फिर वेस्ट एशिया के साथ भी, यूरोप के साथ भी एंड अफ्रीका के साथ भी. तो ये जो साउथ चाइना सी है डिस्प्यूट करता पोज करता है एक थ्रेट टू ग्लोबल ट्रेड. देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है. चाइनीज एग्रेशन. चाइनीज मिलिट्री ने अपनी जो एग्रेसिव पॉलिसी है जो उसके जो एक्शंस है वो हमेशा से बढ़ते ही आ रही हैं. जैसे कि फिलिपिनो शिप्स के साथ क्लैश होना एंड जो फ्यूलिंग फियर्स ऑफ अ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट. यूनाइटेड स्टेट ने रिपीटेडली वॉर्न किया है कि ये ऑब्लिगेटरी है डिफेंड करने के लिए फिलीपींस को इफ दे वर टू बी अटैक्ड इंक्लूडिंग इन द साउथ चाइना सी. ताइवान का इशू, बेजिंग्स यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स टू ब्रिंग द डेमोक्रेटिक आइलैंड्स अंडर इट्स कंट्रोल कुड फर्दर रेज टेंशन इन साउथ चाइना सी. कि यहाँ पे चाइना का एग्रेशंस भी हो रहा है. यूनाइटेड स्टेट किसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिलीपींस को. ताइवान का फिर अलग अपना क्लेम है. उसके बाद फिर पोटेंशियल ब्लोकेड ऑफ मलक्का स्ट्रेट ड्यूरिंग चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट. ये क्या कर सकता है, ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर सकता है वाइल एग्जर्बेटिंग एग्जिस्टिंग कंजेशंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज. इंक्रीज्ड शिपिंग कोस्ट एस्केलेटिंग टेंशंस इन द साउथ चाइना सी क्रिएट कर सकता है थर्ड ग्लोबल शिपिंग क्राइसिस फ्रंट को. अदर बीइंग रेड सी एंड द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पोटेंशियली मैरीटाइम रीरूटिंग कॉज कर सकता है, डिलेज ला सकता है, प्राइस बढ़ सकते हैं, शॉर्टेज आ सकती है, रेवेन्यू लॉसेस हो सकता है एशियन पोर्ट्स के लिए. इंडिया एंड साउथ चाइना सी के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़े, इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को देखें तो इंडिया ने एक्सपेंड करने की कोशिश एक्सपेंड किया है अपना इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी में थ्रू इट्स लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि फोकस कर रही है इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट पर. किसके साथ, साउथ ईस्ट जो एशियन नेशंस है उनके साथ. डिस्पाइट चाइनाज डिसअप्रूवल, चाइना का डिसअप्रूवल है बट इंडिया फिर भी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत फोकस कर रही है इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट हो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इंडिया के लिए. जैसे वाटरवे की बात करें, साउथ चाइना सी कनेक्ट करता है हमारे इंडियन ओशंस को ईस्ट चाइना सी के साथ वाई द मलक्का स्ट्रेट. क्रूशियल वाटरवे है ग्लोबल ट्रेड के लिए. ट्रेड मेजोरिटी जो है इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है सी बॉर्न ही है. सी के समुद्र से ही हमारा माल जाता है विद हाफ पासिंग थ्रू द मलक्का स्ट्रेट. आधा जो जाता है मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जाता है. तो ये रीजन इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिग्निफिकेंट पोटेंशियल भी है एनर्जी रिजर्व्स के लिए. जो इंटरेस्ट है इंडिया के लिए एक इंटरेस्ट है एज इट seeks to secure energy sources to meet growing domestic demand. Maritime asset जैसे कि oil exploration block 128 off the coast of Vietnam that the two countries are jointly exploring. दोनों कंट्री आपस में मिलकर उसको एक्सप्लोर कर रही है और वहां से ऑयल को एक्सप्लोर करने की संभावनाएं है. इंडियाज का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव रखा है इंडिया ने साउथ चाइना सी में. देखिए इंडिया एक प्रिंसिपल पोजिशन को होल्ड किए हुए है. अगर हम बात करें साउथ चाइना सी के साथ, या फिर अगर हम बात करें
ग्लोबल कॉमन्स को यूज करने की, सच एज मैरीटाइम डोमेन्स दैट कुड बी फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव. इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है? डीपन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज इंडिया ने बनाया है एशियन कंट्रीज के साथ. कंडक्ट किया है इंडिया ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस, मिलिट्री ट्रेनिंग, आर्म्स की सेल रीजनल स्टेट के साथ, जैसे कि ब्रह्मोस इंडिया ने बेचा है फिलीपींस को. इंडिया ने इंगेज किया है ऑफशोर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में साउथ चाइना सी में. कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव भी आए हैं इंडिया की तरफ से, जैसे कि एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन पॉलिसीज अलोंग विद स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बाय जॉइनिंग क्वाड. तो ये इंडिया की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं. वे फॉरवर्ड देख लेते हैं. डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट इन कैंडिड एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन अमंग द कंटेंडेंट पार्टीज, इंटीग्रेटिंग इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर्स. अगर जरूरत पड़ती है तो इंडिया को ये करना चाहिए. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोसीजर्स टू ऑगमेंट ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अमंग रीजनल एंटिटीज, कंप्लायंस विद इंटरनेशनल नॉर्म्स, ऑब्जर्वेंस एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी एंड करेस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. रीजनल कोलेबोरेशन की बात करें अगर, री इन्फोर्समेंट ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रेमवर्क टू एनकरेज कोऑपरेशन एंड द पीसफुल आर्बिट्रेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स. इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा की बात करें, रिपोर्टेडली रिपोर्ट्स बाय बीसीजी एंड इंडिया डायस्पोरा हाईलाइट्स करता है कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, इंडियन अमेरिकन का टू यूएस सोसाइटी. डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली अबाउट 1.5% ऑफ यूएस पॉपुलेशन, वो इंडिया ऑरिजिन की है. इंडिया का जो डायस्पोरा है उसने सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन लाया है कंट्री में. कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है डायस्पोरा का यूएसए में? इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सीईओ जो है इंडियन ऑरिजिन का हेड 16 Fortune 500 कंपनीज. एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लीडर्स इंक्लूड्स जैसे कि सत्य नेडेला, शांतनु नारायण, एडोब एटसेट्रा. कल्चरल इन्फ्लुएंस भी रहा है, वाइड सेलिब्रेशन होता है यूएसए में दिवाली का, होली का. सेलिब्रेटेड शेफ्स एग्जाम्पल विकास खन्ना, वेलनेस प्रैक्टिसेस विद इंडियन रूट्स एग्जाम्पल दीपक चोपड़ा. इनोवेशंस की बात करें, रिसर्च की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो 30% ऑफ यूएस साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैड इंडियन अमेरिकन को ऑथर. फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन सी है, जैसे हर गोविंद खुराना, अभिजीत बैनर्जी एंड मंजुल भार्गवा. गवर्नमेंट इन पब्लिक सर्विसेज, कमला हारिस फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन डिसेंट, एंड बॉबी जिंदल फर्स्ट इंडियन अमेरिकन गवर्नर्स. बेनिफिट्स क्या क्या है इंडिया के लिए, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इकोनॉमिक, यूएस इज लाइक यूएस जो है वो टॉप सोर्स है रेमिटेंस का. $26 billion आउट ऑफ $113 billion 2022-23 में. सिंस 2000 यूएस कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है $23 billion इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ब्रेन गेन, अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ इंडिया यूनिकॉर्न हैव को फाउंडर्स हु हैव लेवरेज्ड यूएस हायर एजुकेशन. एग्जाम्पल राहुल चरी फोनपे, हर्ष जैन एंड भविन सेठ ड्रीम इलेवन. पॉलिटिकल डिप्लोमेसी इन लॉबिंग, एग्जाम्पल इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, इंडियन डायस्पोरा इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, सौम्या स्वामीनाथन. कल्चरल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर की बात करें, 1 in 10 अमेरिकन प्रैक्टिसेस करता है योगा. स्प्रेडिंग ऑफ इंडियन कुजीन एंड आयुर्वेदा. इंडो यूएस साइंटिफिक कोलेबोरेशन, जैसे कि निसार आई सेट एग्जाम्पल आई एटसेट्रा. इनिशिएटिव्स भी हैं इंडियन डायस्पोरा फॉर डायस्पोरा एंगेजमेंट बाय इंडिया. नो इंडिया प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 9 January वंस एवरी 2 years. इंडिया कम्युनिटी वेलफेयर फंड. इंडिया इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ IPF सप्लाई चेन काउंसिल. पर्सुएंट टू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सप्लाई चेन एग्रीमेंट, इंडिया एंड अदर 13 IPF पार्टनर्स ने एस्टेब्लिश किया है 3 सप्लाई चेन बॉडीज को. ये सब बॉडीज कौन कौन सी है? सप्लाई चेन काउंसिल, क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क, लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड. सप्लाई चेन काउंसिल परस्यू करेगी टारगेटेड एक्शन ओरिएंटेड वर्क को, ताकि जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत किया जा सके उन सेक्टर्स के लिए, इन गुड्स के लिए जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या फिर पब्लिक हेल्थ के लिए. क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क की अगर हम बात करें,
तो ये एक फोरम प्रोवाइड करेगा कलेक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए टू एग्जिजेंट और इमिनेंट डिसरप्शंस। लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड जो वर्कर्स है उनको एक साथ लाएगा, एम्प्लॉयज को एक साथ ले एम्प्लॉयर्स को एक साथ लेके आएगा, गवर्नमेंट्स को भी सेम टेबल पे, ताकि जो लेबर राइट्स है उनको मजबूत किया जा सके, वर्कफोर्स डेवलपमेंट लाया जा सके अक्रॉस रीजनल सप्लाई चेन्स। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 2022 में लॉन्च हुआ था एट टोक्यो जापान, 15 कंट्रीज इसके मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएसए। ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक इंगेजमेंट को मजबूत करना है पार्टनर कंट्रीज के अमंग, ताकि जो ग्रोथ है उसको एडवांस किया जा सके, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाई जा सके इंडो पैसिफिक रीजन में। चार पिलर्स है इसके, ट्रेड, सप्लाई चेन, रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। इंडिया जॉइंट पिलर्स सेकेंड टू फोर्थ ऑफ IPF एंड हैज ऑब्जर्वर स्टेटस इन पिलर वन। सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन रेजिलियंस क्या है? एबिलिटी है सप्लाई चेन नेटवर्क की डिसरप्शंस को विदस्टैंड करने के लिए एंड जो अपहेवल है ऑन रेवेन्यूज उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट्स को, कॉस्ट एंड कस्टमर्स। सप्लाई चेन क्या है? इंटरकनेक्टेड जर्नी है रॉ मटेरियल्स की, प्रोडक्ट्स की, फ्रॉम देयर असेंबली टू फाइनल सेल। थ्रेट्स क्या क्या है सप्लाई चेन रेजिलियंस पे? जैसे कि जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स हैं, एग्जांपल जैसे कि एनर्जी सप्लाईज में डिसरप्शंस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच वॉर हुई, इकोनॉमिक रीजन भी हो सकते हैं, कोविड इंड्यूस्ड डिमांड एंड सप्लाई शॉक्स। मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस में, फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए बाय इंडिया? ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, क्वाड सप्लाई चेन इनिशिएटिव, नेशनल पीएम शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, PLI स्कीम फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, सेंट मार्टिन आइलैंड्स। रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है कि US क्या करना चाहता है, एस्टेब्लिश करना चाहता है मिलिट्री बेस कहाँ पे? सेंट मार्टिन आइलैंड जो है बांग्लादेश का, वहां पे। तो ये सेंट मार्टिन आइलैंड क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। एक स्मॉल कोरल आइलैंड है जो कि नॉर्थ ईस्ट पोर्ट जो है ऑफ द बे ऑफ बंगाल, वहीं पे ये लोकेटेड है। इसको हम नारिकेल जिंजरा या फिर कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, या फिर दरुचिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सिनेमन आइलैंड के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। आइलैंड वॉज वंस एन एक्सटेंशन ऑफ द तुकनफ पेनिनसुला, बट इसको सेपरेट किया गया था क्योंकि ड्यू टू द सबमर्जेंस ऑफ ए पोर्शन ऑफ द पेनिनसुला। 1974 में क्या होता है, बांग्लादेश म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि जो आइलैंड्स है वो बांग्लादेशी टेरिटरी का ही पार्ट रहेगा। इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, जैसे कि ये बांग्लादेश एंड म्यांमार के पास ही लोकेटेड है। अब बात क्लियर किया है इमरजेंसी कुर्स्क रीजन में। कुर्स्क रीजन क्या है? देखिए ये जो है लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन एंड बॉर्डर्स यूक्रेन। तो जो सेंट्रल पार्ट है ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन का, वहां पे ये लोकेटेड है। बेसिन्स जो है वो इसके बेसिन ऑफ निपर एंड डोन रिवर्स आर लोकेटेड ऑन इट्स टेरिटरी। मेन टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है यहाँ पे? चेरनोजम। इट हैज प्रोस्पेक्टेड डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, फॉस्फोराइट्स, पीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज दी कुर्स्क रीजन, यहाँ पे यूरोप है एंड वी हैव हेयर कजाकिस्तान, मंगोलिया एंड रशिया, ये रशिया में ही लोकेटेड है। एराटा जुलाई 2024 की जो मंथली मैगजीन है उसमें आर्टिकल 2.6 में अगर आप पढ़ेंगे इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स नेशंस रिलेशंस पे, तो वहां पे एक एरर था इन द इंफोग्राफिक ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशन। इट इनकरेक्टली स्टेटेड दैट कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से पास होता है। करेक्ट इंफॉर्मेशन इज दैट कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है ओवर द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स खत्म हो गई है। अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को। देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया।